जीके पढ़ेंगे, तो जीके में हमारा नेक्स्ट पेज होगा पेज नंबर 22, है ना। पेज नंबर 22 पे हमारा ये एप्टीट्यूड बुक का है, और क्लासिफिकेशन एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स, तो हमको ओड वन आउट करना है इसमें से, तो जो अलग है उस पर हम क्रॉस बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, ये अलग है, ये देखिए आप, सारे तीर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, नीचे की तरफ है ये, है ना। तो ये अलग है, इसको हमने ओड वन आउट में कर दिया है उसको आउट, ठीक है। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, ये इस तरह से सारे जो ओड वन आउट हमने लगा दिए हैं। नेक्स्ट पेज देखेंगे आप इसका, पेज नंबर 23 पे, है ना। इसमें टिक द फ्रॉम द एंसर फिगर विच कम्स नेक्स्ट, क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पे देखो जेड, एक भी बिंदु नहीं है, फिर एक बिंदु, फिर एक डॉट ऊपर एक नीचे, फिर दो डॉट ऊपर एक नीचे, ऐसे करके फिर दो डॉट नीचे और दो डॉट ऊपर आएंगे, तो वहाँ पे हमने टिक लगाया है। यहाँ पे भी आप नेक्स्ट फिगर देख सकते हैं, फिर दो लाइन, फिर थ्री लाइन, फोर लाइन वाला, तो अब यहाँ फाइव लाइन जिसमें होगी वो आएगा। इस तरह से आप सर्कल में भी देखो, डॉट एक एक छोड़ के आ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर भी आप देखें, ठीक है, आ रहा है ना समझ में, डॉट किधर जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आप, ये फाइव नंबर पे, तो नेक्स्ट क्या होगा इसमें से, वापस से ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे राइट लगा है हमने, ओके। सिक्स नंबर पे भी ऐसे ही है होगा ये, ठीक, वैसे ही सारे हैं, डॉट पे थोड़ा ध्यान देना है ये। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें व्हाट कम्स नेक्स्ट, कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आपको देखना है एक इस तरह से जो सीरीज है वो हमने इधर कंप्लीट करके दी है आपको, तो इसे आप करेंगे अपनी बुक में भी, सेम करते जाएंगे इस तरह से और करेंगे तो आपको समझ में भी आता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखें इसका, एप्टीट्यूड बुक का ही है ये सारे पेज, इसमें आप देखें कहाँ पे डॉट आ रहे, पहले इधर, फिर नेक्स्ट इधर, फिर कैसे कैसे डॉट कहाँ कहाँ पे है, उसे उसके अकॉर्डिंग टिक लगाएं, ठीक है। ये नेक्स्ट फिगर क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखते जाएं, ठीक है। अब ये है हमारा न्यू वेव बुक का है ये, ठीक, साइंस इंस्ट्रूमेंट, कुछ जो वैज्ञानिक उपकरण है वो है ये। आइडेंटिफाई एंड नेम दिस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, टेक हेल्प फ्रॉम द वंडर बॉक्स, तो एन अपोरट्स दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर्स एनर्जी, तो ये एक उपकरण है जो कि एनर्जी स्टोर करता है, एक्यूमुलेटर है वो, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेट एंड डेंसिटी, तो ये वेट और डेंसिटी यानी घनत्व का माप करता है, एयर का, गैसेस का, तो एरोमीटर है ये। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वंस हेयरिंग और इंटेंसिटी, तो साउंड के मापन के लिए होता है, ऑडियोमीटर है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल इंटरवल, तो बहुत ही छोटे छोटे टाइम्स को मापने के लिए क्रोनोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ये मशीन फॉर डुप्लीकेटिंग राइटिंग और ड्राइंग का डुप्लीकेट करने के लिए, यह डिक्टो मशीन है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर है ये। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग डिक्रोइज्म, डिक्रोइज्म को करने के लिए डिक्रोस्कोप है ये। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग द इनसाइड ऑफ ए होलो ऑर्गेन, तो इंडोस्कोप है ये। होलो ऑर्गेन मतलब एक डॉक्टर में काम आता है ये। ए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग और डिवाइडिंग बोन्स, तो हड्डियों को काटने के लिए, तो उसके लिए ऑस्टियोटोम। नेक्स्ट भी देखते हैं, ट्रू फॉल्स है यहाँ पे। द गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर इज कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रू। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, ट्रू, है ना। ग्रेफाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉल्स। शुगर कंटेंस कार्बोहाइड्रेट, ट्रू। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। बेकिंग सोडा इज सोडियम बायोकार्बोनेट, ट्रू। बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ट्रू। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज साइट्रिक एसिड, फॉल्स। द मटेरियल यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पल्प,
इज कॉस्टिक सोडा ट्रू? द केमिकल यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव इन सोडियम बेंजोन ट्रू? गोल्ड इज ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्लैट इन नेचर ट्रू? लीवर इज द मेजर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूसिंग साइट इन द ह्यूमन बॉडी ट्रू? एंड इन एडिक्यूट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट कॉजेज अ डिजीज नेम्ड ट्यूबरक्लोसिस फॉल्स? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस ट्रू? ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस 1.44 लीटर्स ऑफ यूरिन इन ए डे ट्रू? इसके बाद नेक्स्ट पेज आप देखेंगे इसका इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके बारे में ही है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इन ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे लिखना है हमको देयर आर ओवर 37.2 ट्रिलियन सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, देयर आर 100 बिलियन नर्व सेल्स इन योर ब्रेन, बेबीज हैव 300 बोन्स, देयर आर 22 बोन्स इन योर स्कल, यू हैव 7 पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स एंड 3 फॉल्स रिब्स एंड 2 फ्लोटिंग रिब्स, देयर आर 27 बोन्स इन योर हैंड, यू हैव 640.850 मसल्स इन योर बॉडी, द लॉन्गेस्ट मसल इज द सार्टोरियस ऑन द इनसाइड ऑफ द थाई, द बिगेस्ट मसल इन बॉडी इज ग्लूटियस मैक्सिमस और बटक। फीमर आएगा नीचे आएगा, द लॉन्गेस्ट बोन इज फीमर और थाई बोन, 15% ऑफ योर बॉडी वेट इज बोन्स एंड 30% to 40% इन मसल, यू विल प्रोबेबली टेक आउट अबाउट 600 मिलियन ब्रेथ इन योर लाइफ अप टू द एज ऑफ 75।